हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं न्यू पैटर्न ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस बार एसबीआई पीओ में और एसबीआई क्लर्क में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे, और डेफिनेटली इस बार आईबीपीएस पीओ में और आईबीपीएस क्लर्क में ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो क्लास में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए डिटेल में इन सारी वीडियो क्लासेस को देखिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है और उसमें अंडरलाइन पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, कंसिडरिंग द हाई डिमांड फॉर फ्लाइट्स टू गल्फ कंट्रीज एयरलाइन कैन राइज इन प्राइसेस। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। कंसिडरिंग का मतलब होता है ये मानते हुए, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि फ्लाइट्स की हाई डिमांड है गल्फ कंट्रीज़ के लिए। गल्फ कंट्रीज़ के लिए चूंकि फ्लाइट्स की हाई डिमांड है, इसलिए एयरलाइन क्या कर सकती है, एयरलाइन उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ा सकती है। जब किसी चीज़ की डिमांड हैवी होती है, हाई होती है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो एयरलाइन इसकी प्राइस बढ़ा सकती है। अब देखिए, एक होता है राइज और एक होता है रेज, ठीक है। राइज का मतलब है बढ़ना और रेज का मतलब है बढ़ाना। तो यहाँ पर राइज वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि राइज का मतलब है बढ़ना, तो प्राइस अपने आप थोड़ी बढ़ेगी, प्राइस को तो एयरलाइन कंपनी बढ़ाएगी, यानी रेज वर्ड आएगा। और रेज के साथ पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए मे वर्ड आएगा। तो यहाँ पर जो सही आपका ऑप्शन होगा मे रेज, देखिए मे रेज ये सही ऑप्शन होगा। और काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है ये क्वेश्चन, यदि आपको रेज और राइज इनका मतलब नहीं पता है, इनमें डिफरेंस नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि राइज का मतलब होता है उठना या उगना अपने आप, जबकि रेज का मतलब होता है उठाना, ठीक है, या बढ़ाना, जैसे हम बोलते हैं रेज योर स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, ठीक है। राइज का मतलब होता है अपने आप आगे आना, उठना, उगना, बढ़ना, ये होता है राइज का मतलब। आई होप आपको अच्छे तरीके से इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पूरा वीडियो क्लास ये ध्यान से आप देखिए, इसमें मैंने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। विदाउट बोथ इशूज इज क्लैरिफाइड द बोर्ड विल कीप ऑल अदर मैटर्स बिफोर इट पेंडिंग। जब तक ये दोनों इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाते हैं, बोर्ड जो है वो दूसरे मैटर्स को पेंडिंग रखेगा, ठीक है। बिफोर इट का मतलब होता है कि इसके सामने जो मैटर्स हैं, इसको ये मैटर्स को सॉल्व करना है, इनको वो पेंडिंग रखेगा जब तक ये इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाते। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर बोथ है तो यहाँ पर इशू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इशूज, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आएगी। बोथ जो है अपने साथ प्लूरल नाउन को लेगा, बोथ बुक्स, बोथ केसेस, बोथ एग्जाम्स, इस तरीके से। और जब इश्यूज यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर फिर इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा। और यहाँ पर हम एक कंडीशन बता रहे हैं, सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें कंडीशन की बात की गई है कि जब तक ये दोनों इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाते, तब तक बोर्ड क्या करेगा, इन दोनों मैटर्स को पेंडिंग रखेगा। तो यहाँ या तो आप इसमें अनलेस लगा सकते हैं या अनटिल लगा सकते हैं, लेकिन टाइम रिलेटेड कंडीशन ये नहीं है, इसलिए अनटिल इसमें अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इसमें अनलेस ही अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। अनलेस बोथ, देखिए इसमें अनलेस भी लगा है, बोथ भी लगा है, बोथ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल में है, और चूंकि नाउन प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ग्रामर के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये करेक्ट है, अनलेस बोथ इशूज आर क्लैरिफाइड, ठीक है। लेकिन अनलेस वाले पार्ट में नॉट नहीं आता है, तो इसमें यदि नॉट होता तो ये गलत हो जाता, अनलेस बोथ इशूज आर नॉट क्लैरिफाइड, यदि इस तरीके से ये होता तो गलत हो जाता। एक्चुअली इसमें दो पार्ट होते हैं, अनलेस बोथ इशूज आर क्लैरिफाइड, एक्चुअली फर्स्ट पार्ट जो है ये यहाँ तक है, कंडीशन वाला पार्ट, ये है कंडीशन वाला पार्ट और ये है रिजल्ट वाला पार्ट, दो क्लॉज हैं इसमें, तो पार्ट भी बोल सकते हैं, क्लॉज भी बोल सकते हैं। ये रिजल्ट वाला क्लॉज है, ये कंडीशन वाला क्लॉज है,
ठीक है, इसको इस तरह की कंडीशंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है इसलिए इस क्लैरिफाइड यहां पर लिखा है, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं पैसिव वॉइस में। लेकिन इसमें हम अनलेस वाले पाथ में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते, और अनलेस वाला पाथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ग्रामर के बताए हैं, इनको आप ध्यान रखिए, डेफिनेटली इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और फर्स्ट जो है ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द इंसिडेंट हैज क्लियरली हाईलाइटेड हिज नॉलेज। द इंसिडेंट मतलब घटना, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म लगी है। द इंसिडेंट हैज क्लियरली हाईलाइटेड मतलब इस इंसिडेंट ने हाईलाइट किया है, किसको हाईलाइट किया है, हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज को। अब चूंकि नॉलेज एक नाउन है और ये एंड के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी आपको नाउन चाहिए। एंड के द्वारा हम इक्वल एंटिटीज को जोड़ते हैं, तो चूंकि यहाँ पर जब नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन फॉर्म होनी चाहिए, और अटेंटिव की जो नाउन फॉर्म है वो है अटेंशन। अटेंटिव क्या है, अटेंटिव एक एडजेक्टिव है, अटेंटिव का मतलब होता है जागरूक, अटेंटिव सावधान। तो अटेंशन इसमें कहां पर दिया है, अटेंशन इसमें सी में दिया है, ठीक है। और इसमें जो सही फ्रेज होता है वो होता है अटेंशन टू डिटेल, ना कि अटेंशन फॉर डिटेल, जो सही फ्रेज होता है वो होता है अटेंशन टू डिटेल। तो इसमें सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हुआ, ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली अटेंशन टू डिटेल ये सही है। तो इसमें देखिए दोनों चीजें चेक की जा रही हैं, आपकी ग्रामर भी चेक की जा रही है और आपका कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज। जैसे मैंने आपको बताया कि अटेंशन के बाद यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा, सॉरी, तो अटेंशन टू डिटेल इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैंक्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैव कम अप फॉर मैनेजेबल लेवल्स दिस ईयर। आज थोड़ा सा गले में मेरे को प्रॉब्लम है, तो इसको हम देखते हैं, द बैंक्स एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैव कम अप फॉर। देखिए कम अप फॉर का मतलब क्या होता है, कम अप फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए एलिजिबल होना। तो किसी चीज के लिए एलिजिबल होने की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लॉसेज की बात कर रहे हैं कि बैंक के जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उसने एक लेवल को अटेन कर लिया है। यहां पर देखिए एक लेवल से एक वर्ड आया है, तो लेवल को अटेन करने की हम बात कर रहे हैं, इसलिए कम अप फॉर ना आते हुए यहां पर हम लगाएंगे कम टू, क्योंकि कम टू का मतलब होता है उस लेवल को ऑप्टेन करना या अटेन करना, उस लेवल पर पहुंचना। जबकि कम अप फॉर, शी इज कमिंग अप फॉर इलेक्शन, मतलब वो इलेक्शन में लड़ने वाली है, उसके लिए वो एलिजिबल है। तो कम अप फॉर का मतलब होता है बी एलिजिबल फॉर समथिंग, जबकि कम टू का मतलब होता है उस लेवल को ऑप्टेन करना। तो कम टू यहां पर आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंप्रूविंग द एजुकेशनल सिस्टम विच इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड रिक्वायर्स। यहां पर सही है क्योंकि इंप्रूविंग जो है ये जेरंड है और जेरंड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो ये तो यहां पर सही है। और वन ऑफ द वर्स्ट, जैसे हम बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट, जैसे सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, तो वन ऑफ द बेस्ट भी सही है और वन ऑफ द वर्स्ट भी सही है। ये सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट एक्चुअली सबसे अच्छा और वर्स्ट मतलब सबसे खराब। तो वन ऑफ द वर्स्ट का जो एक्सप्रेशन है, जो फ्रेज है, ये सही है, इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं, अ स्टूडेंट वॉज अरेस्टेड फॉर डिस्प्लेइंग एन आर्ट वर्क। देखिए आर्ट वर्क क्या है, आर्ट वर्क क्या है, किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है आर्ट वर्क। आर्ट वर्क नाउन है और नाउन को हम मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव से, इसलिए यहां पर आ जाएगा इंडिसेंट, ना कि इंडिसेंटली। एन सही है क्योंकि आई लगा हुआ है, तो एन यहां पर सही है, लेकिन ये जो होगा ये होगा एडजेक्टिव, यहां पर आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव जो फॉर्म होगी इसकी वो होगी इंडिसेंट। स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने डिस्प्ले किया था कि इंडिसेंट आर्ट फॉर्म, तो यहां पर ए जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। इनडिसेंटली तो एडवर्ब है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। चलिए आगे हम देखते हैं, ही डिड नॉट लाइक मी टू स्मोकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर्स यस्टरडे। देखिए लाइक के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं,
एक्चुअली जब प्रपोजिशन की तरह यूज होता है तो उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ये वर्ड कई तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो लाइक के बाद यहाँ पर एक्चुअली इसमें आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, और आईएनजी फॉर्म के बगल में यहाँ पर, ठीक है, जेरेंड फॉर्म के बगल में हम इसका पजेसिव केस लगाते हैं, क्योंकि जेरेंड फॉर्म जो होता है ये नाउन होता है, और नाउन के बगल में हम इस प्रोनाउन का पजेसिव केस लगाते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं ये एक्चुअली नाउन है, ये जो है ये नाउन है, जैसे यदि मैं बोलूं बुक, तो बुक के बगल में मैं क्या लगाऊंगा, माय बुक लगाऊंगा या मी बुक लगाऊंगा, माय बुक लगाऊंगा। तो बुक एक नाउन है, तो नाउन के बगल में मैंने क्या लगाया, पजेसिव केस। उसी तरीके से स्मोकिंग के बगल में मैं यहां पर लगाऊंगा माय, और लाइक के बाद आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं, ठीक है। तो इस केस में एक्चुअली इस लाइक का कई तरीके से यूज होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है और प्रपोजिशन की तरह भी इसका यूज होता है, वर्ब की तरह भी इसका यूज होता है। तो यहां पर इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा माई स्मोकिंग, ठीक है। कुछ लोग मी स्मोकिंग भी बोलते हैं, लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश में होता है, ठीक है। माई स्मोकिंग ग्रामर के हिसाब से इसमें आपका सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड परमिशन, ग्रांटेड परमिशन टू प्रोसिक्यूट द पब्लिक सर्वेंट, ग्रांटेड परमिशन। देखिए ग्रांटेड क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद आएगा ग्रांटेड व्हाट, ग्रांटेड परमिशन टू प्रोसिक्यूट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है, द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, ये भी सही है आपका, तो ये सही है आपका, इसका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड परमिशन टू प्रोसिक्यूट द पब्लिक सर्वेंट। प्रोसिक्यूट मतलब उसको सजा देना। चलिए आगे देखते हैं, द सीनरी अराउंड द हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज क्वाइट, इज सही है, क्योंकि सीनरी जो है ये होता है सिंगुलर। अब हम यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, क्वाइट पिक्चर्स, पिक्चर्स्क एंड, देखिए ये जो वर्ड है पिक्चर्स मतलब देखने में लुभावना लगने वाला, ये एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है इस एडवर्ब ने, तो ये क्वाइट सही है, लेकिन चूंकि ये एडजेक्टिव है तो यहां पर भी एक एडजेक्टिव आएगा। मैंने अभी बताया था कि एंड के द्वारा दो इक्वल एंटिटीज को हम जोड़ते हैं, तो यहां पर चूंकि ये एडजेक्टिव है तो ये भी इसमें एडजेक्टिव होगा, इस एडजेक्टिव फॉर्म इसका होगा एंजॉयबल, ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म होगा इसका एंजॉयबल, तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विद इन 3 ईयर्स ही डेमोन्स्ट्रेटेड आ ड्रामेटिक इम्प्रूव्ड बिजनेस परफॉर्मेंस, 3 साल के अंदर उसने काफी इम्प्रूव्ड बिजनेस परफॉर्मेंस दी। तो इम्प्रूव्ड क्या है, एडजेक्टिव है, परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस क्या है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को यहां पर मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, तो यहां पर ये होना चाहिए ड्रामेटिकली, ठीक है। और ड्रामेटिकली में इसमें दा भी दिया है, लेकिन दा नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी किसी नाउन को पर्टिकुलराइज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आ ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड, यही इसमें सही होगा, सी इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन क्विक टाइम शी गॉट अक्वेंटेड विद द न्यू एनवायरमेंट, एक्वेंटेड, एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना, लेकिन जो सही फ्रेज है वो होता है इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब ना के बराबर समय में, बहुत जल्दी से, इन नो टाइम, इन क्विक टाइम सही सही फ्रेज नहीं है, सही जो फ्रेज है वो है इन नो टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द एथलीट, देखिए यहां पर कैन नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, वॉज इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है, तो इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द एथलीट विल बी एबल टू इम्प्रूव अपॉन हिज ओन रिकॉर्ड, लेकिन विल बी नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, विल बी का फास्ट फॉर्म आएगा, विल बी का पास्ट फॉर्म होता है वुड बी एबल टू, तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ही इज अ वेरी लेजी पर्सन एंड एंड हेट नहीं आएगा क्योंकि क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम हेट्स लगाएंगे, हेट्स डूइंग, हेट्स डूइंग,
डी इसमें सही आंसर होगा आपका, हेट अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेता है, हेट डूइंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, शी ओपन द डोर, ओपन्ड पास्ट में है तो ये फ्रेज भी पास्ट में ही आएगा। एज शी न्यू, एज शी न्यू होगा इसमें, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। शी ओपन द डोर एज शी न्यू द पर्सन वेरी वेल एंड हैड स्पेंड क्वाइट ए फ्यू मॉर्निंग्स विद हिम, उसने उसके लिए दरवाजा खोला क्योंकि वो उसको अच्छे तरीके से जानती थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उषा कुडंट, कुडंट के बाद थिंकिंग नहीं आएगा, कुडंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, कुड नॉट थिंक। ये मॉडल्स जितने भी होते हैं, कुड हुआ, कैन हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, फर्स्ट फॉर्म ये लेते हैं, कुडंट थिंक आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ फ्रेंडशिप फाउंडेड ऑन बिजनेस इज बेस्ट देन अ बिजनेस फाउंडेड ऑन फ्रेंडशिप, मतलब ऐसी फ्रेंडशिप जो बिजनेस के, बिजनेस पर बेस्ड है वो ज़्यादा अच्छी है बनस्पत उसके, बनस्पत ऐसे बिजनेस के जो कि फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। तो दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसके अलावा देन भी लगा हुआ है, तो देन के साथ हम बेस्ट तो लगाएंगे नहीं, देन के साथ तो हम बेटर ही लगाएंगे, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस IBPS PO में, IBPS क्लर्क में, LIC एग्जाम में और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में, इन सभी जगह ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द क्राउड विच हैज़ गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन स्लोली रिटर्न टू देयर होम्स, मतलब जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, द क्राउड विच हैज़ गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन, वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी जो उस डिसीजन को प्रोटेस्ट कर रही थी, वो धीरे धीरे अपने घर चली गई, ठीक है। तो घर चले जाने का काम बाद में हुआ है, उससे पहले क्या काम हुआ है, उससे पहले भीड़ के इकट्ठे होने का काम हुआ है, यानी दो एक्शन पास्ट में हुए हैं, एक एक्शन है भीड़ का अपने घर जाना, दूसरा एक्शन है भीड़ का इकट्ठा होना। तो पहला एक्शन एक्चुअली इसमें भीड़ का इकट्ठा होना है, पहले वो इकट्ठे हुए उसके बाद वो बाद में घर चले गए, तो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आपको लगाना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा विच हैड गैदर्ड, ठीक है। तो ए इसमें सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द ब्रिज इन कनेक्शन विद द टू सिटीज विल रिमेन क्लोज्ड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। देखिए इन कनेक्शन विद का मतलब क्या होता है, किसी चीज से संबंधित होना, किसी चीज के संबंध में, लेकिन यहां पर हम ऐसे ब्रिज की बात कर रहे हैं जो दो सिटीज को कनेक्ट करता है। इन कनेक्शन विद का मतलब होता है किसी चीज के संबंध में, जैसे पुलिस हैव अरेस्टेड टू पर्संस इन कनेक्शन विद द क्राइम, इन कनेक्शन विद द थेफ्ट, थेफ्ट के संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यहां पर हम फिजिकल सेंस में ये बोलना चाहते हैं कि यहां पर हम उस ब्रिज की बात कर रहे हैं जो दो सिटी से फिजिकली कनेक्ट होता है। द ब्रिज विच कनेक्ट टू सिटीज, यदि आप विच कनेक्ट नहीं लगाना चाहते तो आप पार्टिसिपल फॉर्म लगा सकते हैं कनेक्टिंग, द ब्रिज कनेक्टिंग टू सिटीज, द ब्रिज कनेक्टिंग टू सिटीज, तो डी यहां पर सही आंसर होगा, इन कनेक्शन विद नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, न्यूज पेपर हैव ग्रेट पावर बिकॉज देयर इनॉर्मस सर्कुलेशन, देखिए बिकॉज क्या होता है, बिकॉज कनेक्टर होता है एक्चुअली, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर तो दो सेंटेंसेस नहीं है, यहाँ पर तो एक ये सेंटेंस है, यह एक क्लॉज है, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज नहीं है, ये तो एक नाउन है, देयर इनॉर्मस सर्कुलेशन, ये तो एक नाउन है, इनॉर्मस सर्कुलेशन तो एक नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर ये इन दोनों पार्ट को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर यदि प्रपोजिशन होता या प्रपोजिशनल फ्रेज होता तो वो नाउन को जोड़ देता, प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद हम नाउन लगाते हैं, तो इसलिए बिकॉज ना आते हुए यहाँ पर बिकॉज ऑफ हम कहेंगे, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इनॉर्मस सर्कुलेशन। चलिए यहां पर हम देखते हैं, बिसाइड्स क्रिटिसिज्म ऑफ सम सुपरवाइजर्स द चेयरमैन स्टिल कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज, मतलब कुछ सुपरवाइजर्स की तरफ से चेयरमैन को क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है, आलोचना झेलनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो चेयरमैन है वो रिस्पेक्ट कमांड करता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है,
तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि इस फैक्ट के बावजूद, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि क्रिटिसिज्म के बावजूद, यानी यहां पर इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट आपको लगाना चाहिए, और डिस्पाइट के बाद हम लगाते हैं नाउन। तो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम, ये सही होगा इसमें, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम सुपरवाइजर्स द चेयरमैन स्टिल कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो यहां पर सही आंसर होगा डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस? अच्छे तरीके से आई होप कि समझ में आए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन में यदि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें और मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा। और सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मेरे फ्रेश टारगेट बैच अभी चल रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे बात भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।